तो भाई ये है अपनी महिंद्रा थार, जिसमें हमने कस्टमाइज करनी है बैक सीट। बैक सीट हमें हटा देनी है, हटाने के बाद उसमें कैबिन बनाना है। बाकी अभी गाड़ी दिखा दूं मैं एक बार आपको। हमने बैक सीट इसमें से हटा चुके हैं, 2021 मॉडल थार है। तो पीछे की सारी सीटें हटा चुके हैं, हमें इसमें कैबिन बनवाना है। तो कैबिन अभी अपना रेडी हो रहा है, पूरा बॉक्स मतलब एक फ्लैट जो आदमी सो भी सकता है गाड़ी के अंदर, बैठ भी सकता है, खाना भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है मतलब गाड़ी के अंदर। तो इसमें कैबिन टाइप बनवाएंगे, पीछे सपोर्ट देंगे जैसे सोफा होता है घर का अपना। तो अभी इसकी कस्टमाइज चल रही है भाई, पूरा इसके बॉक्स बनेगा, बॉक्स के बाद उस पर रैक्सिन लगेगी, सेम सीट कवर बनेंगे उसके। तो दिखाता हूँ भाई, अभी कटिंग चल रही है अपनी। तो भाई ये हो रही है अपनी कटिंग, इसके बाद दिखाऊंगा कटिंग होने के बाद एक बार आपको। तो भाई बॉक्स की, नीचे वाले बॉक्स की कटिंग हो चुकी है। अभी इसके सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे भी ऐसे प्लाई लगेगी जैसे बोर्ड है, उसके ऊपर अभी रैक्सिन का काम होना बाकी है। फोम लगेगी, रैक्सिन लगेगी। नीचे हमने ये जो स्पेस दिया है, ये हमने स्पेस दिया है मतलब सामान वामान आप कुछ भी रख सकते हो इसमें। अगर आपको भी थार में मॉडिफिकेशन करानी है बैक सीट की, तो आप यहाँ पे आराम से अपना सामान रख सकते हो। छोटे छोटे बैग आपके पूरे आ जाएंगे, मतलब डिग्गी पूरी कवर नहीं करेगी, आप सामान रख ही नहीं सकते। तो नीचे आराम से सामान आ जाएगा, पहले से ज़्यादा सामान आ जाएगा। पहले जो थार की डिग्गी थी सिर्फ इतनी थी, ऐसे यहाँ पर ये इतना स्पेस था। अभी नीचे भी आपको स्पेस मिल गया, ऊपर बैठने का भी मिल गया प्रॉपर। बैक में भी सपोर्ट मिल जाएगी, अभी बैक में प्लाई लगने के बाद उस पर रैक्सिन लगेगी, तो पीछे भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी इसमें। तो दिखाता हूँ एक बार लगा के आपको। तो भाई थार की सीटिंग हो चुकी है कंप्लीट, एक बार दिखा दूँ आपको। तो ये थार की अपनी सीट है भाई जो हमने बनाई है अभी। तो पीछे पहले डबल सीट थी जो वो रखी हुई है, ठीक है, वो डबल सीट थी। तो अब हमने एक सिंगल सीट बनाई है पूरी, मतलब प्लेन करके, ये देख सकते हो पूरी प्रॉपर। बैक साइड भी दिखाऊंगा, ये सपोर्ट भी हमने अलग से दिए इसमें, सपोर्ट बैक सपोर्ट भी दिए, अगर बैठना चाहे कोई बैठ सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, सो भी सकता है। तो पूरा हमने सामान रखने का भी अलग कैबिन बना दिया इसका, सामान एक बार वो भी दिखा दूँ एक बार आपको मैं। तो भाई ये है इसकी बैक साइड, पहले जो ये ब्लू पंकी इनबिल्ड एम्पलीफायर था ये यहाँ पे इंस्टॉल था, तो हमने इसे यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिया, ताकि यहाँ पे भी सामान रख सके, जो छोटा मोटा सामान हो बैग तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। और ये है अपना सामान रखने का अलग से स्पेस बना दिया इसमें, यहाँ आप सामान रख सकते हो। इधर भी सेम ऐसा ही है और इधर भी ऐसा ही है। एक बार आगे से भी दिखा दो, ये जैसे कि ये सामान है अपना, सामान नीचे भी रख सकते हो, बैग छोटे छोटे बैग जो भी हो गए वो नीचे रख सकते हो। एक बार बैठ के आपको दिखा दूँ मैं, तो फिट करते हैं भाई फोल्ड। तो भाई ये बैठने का अपना स्पेस हो गया पूरा प्रॉपर। इस साइड से हमने कट दिया है यहाँ पे, ताकि अगर कोई चढ़ रहा है तो उसे मतलब दिक्कत ना हो। अगर हम ऐसे इसको पूरा चकोर रखते तो इसमें दिक्कत होती है। थोड़ा सा हमने इसमें राउंड दिया है, यहाँ पे बैठने के लिए आप प्रॉपर आराम से सीट कर सकते हो। एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, अब आराम से तीन बंदे बैठ सकते हैं, क्योंकि थार में दो से ज़्यादा बंदे नहीं बैठ सकते। लेकिन अब इसमें तीन सीट दे दी जैसे कि, तो भाई जैसे हमें मतलब एक बंदा इधर बैठ सकता है और तीन बंदे और अलग इधर बैठ सकते हैं सेपरेट, और निकलने और घुसने में भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि स्पेस इतना आराम से निकल सकते हो। नीचे अपना हमने सामान का कैबिन है, देखो जैसे हमने यहाँ नीचे सामान रखा हुआ है। तो सीट आप पूरी अगर फोल्ड भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पूरी पीछे है सीट, तो मतलब अगर आप पूरी सीट पीछे करके भी चलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैक पर हमने सपोर्ट दे दी, इधर भी हमने थोड़ा रैक्सिन लगा दिए ताकि कोई भी मतलब जो ओरिजिनल पार्ट है वो ख़राब ना हो इसका। इधर भी ऐसे ही करा, इधर भी ऐसे ही करा, तो अब सीटेड मतलब बहुत मज़ेदार हो गए। मैं आराम से बैठूँगा यहाँ पे, दो बंदे और लेट के भी जा सकते हैं आराम से, लेट के जैसे दिखाऊँ ये मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूँ इधर, तो मतलब आराम से बैठ सकते हैं। स्पेस इतना हो गया थार के अंदर, इतना एक वैगन आर मतलब छोटी गाड़ी ले लो या बड़ी होंडा सिटी ले लो, इतना स्पेस कर दिया अब हमने इसके अंदर। सामान भी आप प्रॉपर रख सकते हो, ये रैक्सिन लगाई है इसके ऊपर जैसी सेम सीटों में थी, ये ब्लैक कलर की वही सीट हमने बैक सीट में लगाई है। सपोर्ट दिया प्रॉपर पिलर के साथ हमने इसकी, बैक में भी नीचे सपोर्ट दिया, साइड में रैक्सिन हो गई, मतलब आराम से बैठ सकते हो, सामान भी रख सकते हो। सामान रखने का स्पेस सिर्फ डिग्गी में था, वो भी इतना सा स्पेस था, आप उससे ज़्यादा सामान नहीं रख सकते। लेकिन अब सामान रखने का भी एरिया ज़्यादा हो गया और सीटेड भी ज़्यादा हो गया, आराम से चार बंदे पीछे थार में बैठ सकते हैं। वैसे दो बंदे से ज़्यादा आप थार में नहीं बैठ सकते। और हमने छोटी मोटी और इंस्टॉलेशन करी है, जैसे कि मैंने ब्लू पंकी आपको इनबिल्ट एम्पलीफायर दिखा वो इंस्टॉल करा है, इसके डोर वाइजर इंस्टॉल करे हैं और बाकी छोटा मोटा एक्सेसरीज का और काम करा है। बाकी मेन जो दिखाने का पर्पज़ था वो थी अपनी सीटें। सीटें भाई कंप्लीट हो चुकी है, बहुत मज़ेदार है, कंफर्टेबल। अगर आप लॉन्ग रूट पे आ रहे हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो एक बार चलते हैं भाई।